بسم الله الرحمن الرحيم العلي العظيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا ابي القاسم محمد صلى الله عليه والسلام والسلام واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداتيين المهديين منتخبين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا لسيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب المكتب الفناء اجل الله تعالى فرجه الشريف فسهل الله تعالى مخرجه الشريف اللهم لعن ابنا ظالما ظلم حق محمد وآل محمد والتابع له اخر قال سبحانه وتعالى في كلامه المجيد ومحكم خطابه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اشرے محرم الحرام کی یہ تیسری مجلس اذان اور ہمارا عنوان اسرار حدیث کے ساتھ پاک نجف منزل کی عزت اور عظمت کے صدقے میں آج تیسرے دن میں داخل ہو گیا ہے اور میں صرف اور صرف وہ پہنچا رہا ہوں جو خالص عطا ہے جس میں میرا کوئی کمال نہیں کیونکہ یہ ذکر اتنا وسیع ہے یہ ذکر اتنا بلند ہے کہ جس ذکر کے ذاکر ہونے کی ذمہ داری خود اللہ نے لی اور ورفانا لک ذکرک کی آیت کے ضمن میں اس طرح سے وہ یا حسین کر رہا ہے کہ اب یا حسین ہوتا رہے کل حدیث قصار میں جو کلمات مختوم ہے عالمیان نے جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری کو عطا کیے وہ یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ سیدہ فرماتی ہیں وصل تو الی انظر الی وجہہ یتلالا کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اس چاند سے بابا کی تشبیہ نہیں دی بلکہ کہا میرے بابا ایسے لگ رہے تھے جیسے علی ہو اور حسن کے خالق ہیں یہی چہرے حسن کے مالک ہیں یہی چہرے کیونکہ حسن خاندان بنی ہاشم کی وہ خوبی ہے کہ جس سے دنیا بڑا جلتی رہی ایسی ہے میرے سرکار کہ جو جو اس خاندان کی دہلیز پر سجدہ ریز ہوا ہے اس کے لیے رسول نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حسن و وجہ المؤمن حسن و عنایت الہیہ مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی حسین ترین عطا ہے تھوڑا سا توجہ فرمائیں گے تو گفتگو آگے بڑھ رہی ہے مومن کے چہرے کا حسن اللہ کی حسین ترین عطا ہے جو مقصر کے نصیب میں نہیں ہاتھ اٹھانا خیر
जो है, जो मुनकिर के नसीब में नहीं, जो मुनाफिक के नसीब में नहीं, तो जब खाली मोमिन का हुस्न उसकी अता है तो फिर यकीनन अमीरुल मोमिनीन के हुस्न को ही खाली के हुस्न होना चाहिए। अब बात चेहरे से चलनी, तुम्हें आगे बढ़ने से पहले एक हदीस सामने है, वो मैं तिलावत करने का शर्फ हासिल करना चाहता हूँ। मोमिन के चेहरे का हुस्न अल्लाह की अता है, तो वो हुस्न क्या होगा जिसके लिए अल्लाह कह रहे हैं वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब, सूरह बकरा, फअयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, मशरिक हो या मगरिब अल्लाह के लिए है, फिर तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। जिसे फिक्र समझ आए भाई, फिर वो हुस्न क्या होगा कि जिसके लिए अल्लाह कह रहा है कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर शय फना हो जाएगी और बाकी रहेगा अल्लाह का चेहरा, जो जलाल वाला भी है, जो इकराम वाला भी है। यही तो लुत्फ है हदीस किसा का, सैयदा ने बस एक दफा बाबा की तारीफ कर दी, अब आयत सजदों पे सजदा करे। यही लुत्फ है हदीस किसा के असरार का। मखदूमा ने जो जो लफ्ज बोला वो कुरान में कई कई मरतबा आया, अब जो बाबा के चेहरे के लिए वजहुन बोल दिया तो अल्लाह ने कहा वलिल्लाहिल मशरिकु वल मगरिब फअयनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी देखोगे तुम्हें अल्लाह का चेहरा नजर आएगा। और फिर कह दिया सूरह रहमान में कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, तो फिर बंदे एतराज करते रहे, खाली कह दे, नुसैरी कह दे, काफिर कह दे, मुशरिक कह दे, तो आपके आयतें कुरान से निकाल दे। हाथ उठाना, खैरात मांगना, जिसे फिक्र समझ आए भाई। अगर फतवों का शौक है, फतवों का डर है, तो फिर कुरान पे अमल करना छोड़ दें, क्योंकि कुरान तो चेहरों से आगे चला गया। वो ऐलान करके कह रहे सूरह साद में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या इब्लीस मा मनाका अन तसजुदा लिमा खलकता बियदैया, इब्लीस तुझे किसने मना किया था कि तू उसे सजदा ना कर जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से, जिसे मैंने बनाया अपने दोनों हाथों से। एक दफा की नहीं, बचपन से सुनी हुई आयत है, जिसे मैंने बनाया बियदैया अपने दोनों हाथों से। चलो हाथों तक बात आ गई, बंदे कह रहे थे बस, मैंने कहा जब तक फजाइल से मुनकिरों की मौत वाकई नहीं हो जाती कुरान बस नहीं करता, तो मैं वैसे बस नहीं करता, तो मैं बस कैसे करूं। तो आज ही फिर आयत आ गई सूरह यूनुस में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वउस्ने अल्फुल्का बिआयुनिना ववाहिना, अल्लाह सूरह हूद में पुकार के नूह नबी को आवाज दे के कह रहा था ए नूह कश्ती बनाना मेरी वही के मुताबिक मेरी दोनों आंखों के सामने। मेरी कश्ती बनाना मेरी आंखों के सामने बनाना, भाई बात तो अटकी हुई थी चेहरे पर, फिर हाथ भी आ गए, फिर आंखें भी आ गई, तो अल्लाह ने कहा वो चेहरा है जो जलाल वाला भी है, जो इकराम वाला भी है। अब दो रास्ते बचते हैं आपके पास, या तो सारे फजाइल पढ़ने वालों को मार दे या बात मान जाए, ये दोनों काम नहीं करने तो फिर दो रास्ते हैं, या कुरान से इन आयतों का इनकार कर दे, और अगर करके काफिर नहीं होना चाहते तो फिर फजाइल का इनकार करके काफिर ना हो, फिर हमें चेहरे वाला अल्लाह दिखाए या वो चेहरा दिखाए जिसे अल्लाह अपना चेहरा कह रहा। या वो चेहरा दिखाए जिसे अल्लाह अपना चेहरा कहता है, या तो हाथों वाला कोई खुदा ढूंढ के लाए, या वो हाथ दिखाए जिसे उसने अपने हाथ कहा, या आंखों वाला अल्लाह दिखाए, या वो आंखें दिखाए जिसे वो अल्लाह होकर भी ऐनुल्लाह कह के पुकारता है। और अगर ऐप को नहीं मिलता तो मस्जिद आजम कूफा के मिंबर अबयस पे सबसे ऊपर वाले अर्शी सीने पर अबू तालिब के बेटे ने बैठ कर कहा था अगर आदम के हलाली बेटे हो तो कभी मुझ पर शक न करना क्योंकि ये वो दोनों हाथ है जिनसे मैंने तुम्हारे बाप को बनाया।
मेरे सरकार करीम सरकार मुश्तबे सदी जो मैंने हदीस तिलावत करनी थी मैंने उसके लिए चार आयतें पढ़नी पड़ गई हैं, लेकिन वो हदीस इतनी वजनी है उससे पहले और आखिर में मैं पूरा पूरा कुरान ख़त्म भी करूँ ना तो वो जो हदीस पैगंबर है उसका हक नहीं अदा हो सकता। रसूल अल्लाह ने अमीर अल मोमिनीन को बुलाया, मोहम्मद ने मोहम्मद को सामने बिठाया, अली ने अली को सामने बिठाया, हसन ने अपने हसन को देखा, हुसैन ने अपने हुसैन को देखा, नहीं समझाते फजाइल वो क्या जाने, खाजी ने खाजी को देखा, अकबर ने अकबर को देखा, अबू तालिब ने अबू तालिब को देखा, अली असगर ने अली असगर। आप सब जिंदाबाद रहे। मुस्तफा ने मुर्तजा को सामने बिठाकर, मेरी मजाल ही नहीं रही जी जो मैं उस मंजर की मंजर कशी कर सकूं। ये तो दोनों भाई जहां दिल चाहे महराज बना ले, सामने बिठा के अली अमीर अल मोमिनीन को अल्लाह के रसूल ने एक जुमला इरशाद फरमाया, वजहुल्ला ज़हन में रहे तो समझ आए कि हुस्न चेहरे का क्या होता है। जब मोमिन का हुस्न अल्लाह की खासत आए तो जो वजहुल्ला है उसके हुस्न को देख कर क्या कहना चाहिए। रसूल ने फरमाया, अली बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, इज़ा नज़रतु इला मिरातिन फ़क़ुलिल्लाहुम्मा, या अली जब आप आईना देखें तो कहना ए मेरे अल्लाह। हुस्न भी खुद, हसीन भी खुद। अब अल्लाह ने जो कह दिया इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, और कहा भी रसूल की ज़बान से, अल्लाह खुद भी हसीन है और उसे हुस्न पसंद भी है। उसे कैसा हुस्न पसंद है, कायनात में फिर के देख लो, जैसी उसने कायनात बनाई वैसा हुस्न उसे पसंद है। जाओ ना ढूंढो अल्लाह खुद कैसा हसीन है। वो कह रहे इन्नल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, वो खुद भी हसीन है उसे हुस्न पसंद भी। बस उसके हुस्न वाले चेहरे को देख के ही मुअज्जमाए कायनात ने फरमाया मेरे बाबा का चेहरा बदरे कमालो तमाम की तरह चमक रहा था, यानी अली के मिस्र। तो अब हदीस के साथ का फिक्र आगे बढ़ाने का लुत्फ आएगा 12-13 मिनट के बाद। सैयदा फरमाती है जब मेरे बाबा किसरा के नीचे आ गए, फमा काना इल्ला सातन इज़ाफ़े वलदी अल हसन, अभी एक सात गुजरी थी कि मेरा लाल हसन आया। फकाला अस्सलामु अलैके या उम्माहु, फकुल्तु अस्सलामु अलैके सलाम या कुर्रता आईनी व समरता फुआदी। फिर मैंने जवाब दे के कहा आप पर भी सलाम हो ए मेरी आंखों के नूर, ए मेरे मेवाए दिल। ये वो तर्जुमा है जो हदीस किसा के नीचे उर्दू में लिखा होता है। पहले लफ्ज पर रुक जाए तो कायनात खत्म हो जाए, सैयदा के लफ्ज का हक अदा ना हो। मेरे सरकार सैयदा ने फरमाया फमा कानत इल्ला साअतन बिवलदी अल हसन, अभी एक सात गुजरी थी कि मेरा लाल हसन तशरीफ ले आया। सात अरबी में कहते हैं घड़ी को, सात अरबी में कहते हैं बादशाह जी घंटे को, लेकिन कुरान घड़ी को सात नहीं कहता। कुरान न पल को सात कहता है न मिनट को सात कहता है, कुरान न दिन को सात कहता है, कुरान न सदी को सात कहता है, न साल को न महीने को।
साथ कहता किसे, कुरान की आवाज आ रही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वयौमा यहशुरुहुम लम यलबिसू इल्ला साअ, जब अल्लाह तुम्हें महशर में जिंदा करके उठाएगा तो हर कोई उठ के कहेगा अभी तो एक साथ गुजरी है। अगर तवज्जो हो गई तो फिर से ये बात लफ्ज पर आयत और सजदा करने आ रही है। आयतों का काम यही है कि वो सैयदा के लफ्जों पर बस सजदे करती जाए। अभी एक साथ गुजरी है, यानी जो आदम के दौर में मरा तो कयामत में उठ के कहेगा एक साथ गुजरी, तो जो कयामत से एक दिन पहले मरा, कुरान का ऐलान है, वो भी उठ के कहेगा एक साथ गुजरी। इसका मतलब सात गिनी नहीं जा सकती, आदम से लेके अब तक और अब से कयामत तक सात की कैलकुलेशन मुमकिन नहीं है। और सूरह अहज़ाब में वाज़े ऐलान करके कह दिया अल्लाह ने, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यसअलूनका अनिस्सा, मुहम्मद ये आपसे सात के बारे में पूछते हैं, फकुल इन्नमा इल्मुहा इंदल्ला, कह दीजिए अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि सात क्या है। पहले अल्लाह कह रहा था कि एक सात गुजरेगी जब तुम कयामत में उठोगे, लोगों ने कहा वो सात क्या होगी, तो मोहम्मद को अल्लाह ने कहा कह दो कि सात अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता कि सात क्या है। और हसन की अम्मा कह रही है अभी सात गुजरी थी कि हसन आ, इसका मतलब अगर सात में वक्त की कैद नहीं है तो जो वक्त उस हवेली बैतुल्ला में गुजर रहा है उस पर जमानो मकान का इतलाक नहीं। जिंदाबाद, हाथ उठाइएगा, खैरात मांगिएगा। चलो अगला हवाला मैं उसूले काफी से पढ़ दूं ताकि इसके बाद किसी को जरूरत रहे ही ना। वैसे भी जो मजलिस में बैठ के बोलते हैं किताबों के हवाले, जो मोबाइल पे आप कोई लाइव चला रहे हैं, कोई कैमरे के पीछे बैठा है पकड़ के मोहम्मद अली गिरफ्तार क्या पढ़ रहे, देखेंगे शायद कोई ऐसा क्लिप निकल आए जिसमें हमें हवाला ना मिले। भाई हवाला दे के कह रहा हूँ क्योंकि मातमियों को हवाले की जरूरत नहीं। जो बैठ के अली के फजाइल पे खुश होता है उसे पता है कि फजाइल के लिए किताब का नहीं बाप का हवाला जरूरी है। सहन में जो वक्त गुजर रहा है वहां जमानो मकान का इत्तलाक नहीं हो रहा, तो वो जगह कौन सी है जिनकी जगह है उनके सिवा कोई नहीं बता सकता। पांचवे ताजदार तौहीद फरमाते हैं देखेगा जमाना कयामत में के हमारी जद्दा सैयदा के मदीने वाले घर का जेरे कुबा, यानी सैयदा के घर की छत का निचला हिस्सा जिसे तुम फर्श कहते हो वही अर्शे इलाही होगा। मेरे बेटे हसन ने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दिया और फिर मेरे लाल हसन ने कहा या अम्मा हो इन्नी अशम्मो इंदके राएहतन तैयबा, मुझे
एक प्यारी शिद्दत वाली खुशबू आ रही, खुशबू महसूस की, कोई खुशबू लगा के गुजर जाए और महसूस ना हो वो राह में, राहतन वो खुशबू है जो शिद्दत से महसूस हो। तो फरमाया ये आपके नाना की खुशबू है, ये नहीं कि मौला हसन को पता नहीं। हदीसे के साथ जनाब जाबिर को अता ही इसलिए हुई कि हमारे फजाइल पहुंचाओ, और इंतखाब जाबिर क्यों किया वो पहली मजलिस में बता चुका हूँ। दुनियावी वजह सबसे बड़ी ये है कि जाबिर सबसे ज्यादा देर तक बाकी रहे असहाबे मोहम्मद में से, तो कभी कोई जलसा जाबिर के लिए भी कर लो, कभी कोई छुट्टी जाबिर के नाम पे भी मांग लो, ये रजी अल्लाह भी नहीं अलैहि सलाम है। जो पैगाम लेके जा रहे हैं मेरी तरफ देखना भी। तो मौला हसन ने ये फरमाया तो कब बेटा इन जगह का तातल किसा, आपके नाना यहाँ। तो मौला हसन गए और जाकर सलाम किया, अस्सलामु अलैका या जद्दा हो, और सलाम करके आगे से जवाब आया व अलैका सलाम या वलदी व साहिबा हौजी। अब जाहिरन जो सेने तदीर है वो मीलों में तो फैला हुआ नहीं, जाहिरन तो मुख्तसर जगह है। मौला हसन ने सैयदा की चादर का इख्तियार बताया कि मैं हसन इमाम होकर भी अपनी अम्मा से पूछ रहा हूँ, खुशबू आ रही है, नाना है कहाँ? क्योंकि मुजाहरा है सारी हदीस की सारी फजाइल का। तो एक जुमला सुने तो बेटा वो किस्सा के नीचे, वरना कोई ये कहे कि मौला हसन को चादर के नीचे रसूल नजर नहीं आ रहे थे, नहीं, जो सैयदा की नजर है वही नजर मुज्तबा है, जो नजर मुज्तबा है वही नजर मुस्तफा है, क्योंकि मुस्तफा ही मुज्तबा है, मुज्तबा ही मुर्तजा है। इसीलिए न नजर का फर्क है, न निगाह का फर्क है, न किसी और चीज का। तो एक फजाइल का मुजाहरा है का इस चादर के अंदर है, वरना मौला हसन वो शहनशाह है। मैं एक दफा 27 सफर पे पाक नजफ मंजिल में पढ़ चुका हूँ, फिर भी अरमान से रिवायत पढ़ता हूँ। लोग कहते हैं मौला हसन शहजादा अमन अमान बेशक, लेकिन फजहुल्ला पर जलाल वही है जो अली के चेहरे पर है। लोग कहते हैं जब कूफा में घर के बाहर मेरे मौला हसन की मसनद लगती थी ना, मैं सरकार दिल में रही था कि ये वाला फजाइल साथ को आता, लेकिन अब हदीस किसान की तरतीब ऐसे है। लेकिन हम क्या करें, जिनका फजाइल सात को है आज दीन को भी उनका है, तो जिनका पांच को है यकम को भी उन्हीं का था, क्योंकि फजाइल ही फजाइल है और मुसाइब ही फजाइल है और फजाइल ही मुसाइब है। तो मेरे मौला हसन की मसनद लगती थी ना जब कूफा में मकान के बाहर, तो जलाल हसन मुज्तबा के सबब लोग गर्दन उठाकर नहीं गुजरते थे। तो एक दफा चार बंदे गाय को जिम्मा करने के लिए ले जा रहे थे, सर झुका के गुजर रहे थे, हाथ में गाय की रस्सी थी। मेरे मौला हसन ने फरमाया कहाँ जा रहे हो? का फरजंदे अमीरुल मोमिनीन, इसे सिदा करने लगे कि शिकम चाक करना जिंदा मादा बच्चा निकलेगा, सर और तुम सिया है बाकी पूरे सफेद है। चुप होकर चले गए, बोले नहीं। आगे जाके कहते हैं ऐसा भी हो सकता है गाय जिबा हुई, शिकम चाक हुआ, माता बच्चा जिंदा निकला, सर और तुम सिया बाकी पूरा सफेद, ज़बीहा उधर छोड़ के बच्चा उधर छोड़ के आए, डायरेक्ट सजदे में गिर के सूरह लुकमान की आखिरी आयत पढ़ के कहते हैं या लमु माफिल अरहम, अल्लाह के सिवा तो कोई जानते नहीं कि माँ के शिकम में। चादर के नीचे इमाम हसन मुज्तबा को क्यों नजर नहीं आ सकता? 5 साल गुजर गए थे अमीर कायनात की जाहिरी शहादत को, उस शबे सरबत को 40 हिजरी में, 45 हिजरी में कुछ लोग आए, बड़ी दूर दूर से सुना था आपके बाबा के मौजजात को, हमारे बुजुर्गों ने देखा था। मौला हसन के आपके पास भी कोई ऐसा मौजजा है? का कौन से मौजजात सुने मेरे बाबा के? का रद्दुश्शम्स, कल्ले अजदर को चीरना,
काबा की दीवार का शक होना, बाबे खैबर को उखाड़ना, ये खामोश हुए। हसन कहते बस। तो कहा मौला आपके पास इनमें से कोई मौजा है? मौला ने फरमाया बताओ क्या सूरज पलटा हूं, क्या काबे को शक करूं, क्या कल्ले अजदर को चीरूं, या खैबर की बजाय तुम्हारी जमीन ही उखाड़ दूं? कहा नहीं फर्जंदे अमीरुल मोमिनीन, कोई एक मौजा जैसा अली का हो। कहा मेरे इख्तियार पर शक न करना, मैं मुस्तफा भी हूँ, मैं मुर्तजा भी हूँ, मैं सैयदु शुहदा भी खुद हूँ, मैं हूँ हसन मुस्तफा। आज तुम्हें अली ही ना दिखा दूं? तो उसका ये था, तो मुजाहिरा इनका अपना है। क्या तुम्हें अली ही ने दिखा दूं? का मौला ये कैसे मुमकिन है? 5 साल पहले मौला की शहादत हुई, मौला ने सदा दी अल हिजाब, सहने खाना खाली हुआ, दीवार पर लगे हुए पर्दे को मौला ने अपने यदुल्लाही हाथ से बिना तशबीह हटाया और कहा जल्दी से एक झलक देखो। पत्तों ने देख के पीछे हट के कहते मस्जिद पे अली बैठी है, मस्जिद पे अली बैठे हैं, मस्जिद पे अली बैठे। मौलवी तुझे बिहार मनवार से भी नहीं फजाइल मिलते तो हमारा कसूर क्या है? मौला हसन फरमाते हैं ये मेरा इख्तियार है, जिसे मेराज के पर्दे में उसने छुपाया था, मैंने घर का पर्दा हटा के दिखा दिया। नाना क्या मुझे इजाजत है? चले पूछा तो अम्मा से, फिर चादर के बाहर इजाजत क्यों ली? ये चादर का एक और फजाइल पढ़ा मेरे मौला ने, ये वही शहंशाह है जो मस्जिद में नमाज मुहम्मद में आने के लिए इजाजत नहीं देते। इन्होंने कभी मुसल्ला रसूल पर आकर ये नहीं कहा अताजनुली, क्योंकि रसूल को पता है ये नमाज का हिस्सा है। अच्छा ये तो सबने सुने, मौला हुसैन सजदे में आए, मौला हसन सजदे में भी आए, शानों पर भी आए, जो किताब उठाओ अंदर से नई बात निकलती है। मेरे सरदार एक जगह मैंने ये भी पढ़ा कि मौला हसन मुश्तबा शानों पर सवार थे, जब रसूल अल्लाह हालत रकू में गए तो रसूल अल्लाह ने एक हाथ अपने घुटने मुबारक से उठाकर मौला हसन को थाम लिया और एक हाथ से नमाज अदा करते रहे। पूछो ना रसूल की नमाज में अली का बेटा आ गया है? बड़ी तवज्जो। मेरी मजबूरी है, कुछ मंजर ऐसे हैं कि मेरा ना किस बदन इस काबिल ही नहीं कि मैं इशारा भी कर सकूं, लेकिन मुसल्ला था ईद की नमाज का। रसूल ने खुतबाए ईद के बाद, हुज्जत का हक है ईद का खुतबा, रसूल अल्लाह ने ईद का खुतबा दिया। मेरे सरदार तकबीरतुल अहराम के लिए नबियों के सरदार ने अपने यदुल्लाही हाथों को उठाया, उज़्रुल्लाही कानों तक ले आए। अभी कहा था अल्लाहु अकबर, ये अकबर की रे में कोई ऐसी तासीर थी। वहां मुसल्ले पे बैठे थे मौला हसन, कहते नाना अल्लाहु अकबर। रसूल ने फिर कहा अल्लाहु अकबर, मौला हसन ने कहा नाना अल्लाहु अकबर, रसूल ने फिर कहा अल्लाहु अकबर। ईद की नमाज की पहली रकत में आ गई 7 तकबीरें, दूसरी में 5 तकबीरें। तारीख का गिरेबान पकड़ के पूछो कैसे आ गई? जो मुस्तफा एक तकबीरतुल अहराम कहते थे, ईद के दिन पहली रकत में 6 ज़ायद तकबीरें, दूसरी रकत में 4 ज़ायद तकबीरें, ये कहां से आ गई? चूंकि मौला हसन कह रहे थे नाना अल्लाहु अकबर, तो रसूल कह रहे थे हसन ने जितनी दफा कह दिया उतनी दफा वो अल्लाहु अकबर है, उतनी दफा अल्लाहु अकबर है। मौला
हसन ने 7 दफा कहा अल्लाह अकबर, नबियों के सरदार ने 7 दफा पहली रकत में कहा अल्लाह अकबर, दूसरी में 5 मरतबा कहा अल्लाह अकबर, नबियों के सरदार ने कयामत तक नमाज ईद की रकत में 7 और 5 तकबीरें डाल के बता दिया हमेशा हमेशा के लिए ईद की नमाज पे सिर्फ अली के बेटों का इख्तियार है। जुमला बड़ी तेजी से आगे बढ़ने लगे तो मौला हसन चादर की इज्जत बता के कह रहे मुझे थकावट का एहसास है, आप सारा दिन मजलिसों में रहते हैं और मैं भी सारा दिन मजलिस से पढ़ता हूँ तो हमारी थकावट भी एक ही जैसी होनी चाहिए, ये चले मेरी आपसे थोड़ी कम हो जाएगी, ज्यादा तो नहीं कह सकता क्योंकि मुझे क्या पता कौन कितनी अजादारी करके आया कितनी नहीं, लेकिन एक जुमला बड़ी तवज्जो से समाप्त फरमा लो। मौला हसन बता रहे थे मोहम्मद की मस्जिद और है, सैयदा की चादर और, सात जिसे अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता तो सैयदा ने कुछ ही देर में कहा कि 2 सातें गुजर गई। अच्छा जो आदम के दौर में मरेगा वो कयामत में उठ के कहेगा 1 सात गुजरी, सैयदा ने हसन और हुसैन के आने में कहा 2 गुजर गए। हसन का बात आप जानना खैरात मांगना जिसे फिक्र समझ आए भाई, सातन इल्ला बिवलदी अल हुसैन, फिर मेरा बेटा हुसैन है और बिल्कुल वही लफ्ज कहे मेरे मौला हुसैन ने जो मौला हसन ने कहे थे, अस्सलामु अलैका या उम्मा, और फिर सैयदा ने वैसे ही जवाब दिया अलैकुस्सलाम या कुर्रत ऐनी व समरत फुआदी, और फिर मौला हुसैन ने वही फिक्र कहा इन्नी अशम्मु इंदके राएहतन तैयबा, सैयदा जाबिर को बता रही थी दोनों एक हैं, इसीलिए हर्फ का भी फर्क नहीं आ रहा। लेकिन अगला जुमला सैयदा ने अपने अम्र से तब्दील किया क्योंकि जुमला सैयदा कह रही है मौला हुसैन को, और इसी फिक्र के अंदर दुनिया की बात में जब मंजिल से बातें आती हैं नहीं 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 वो है पुरानी पर छुपी हुई थी, तो वो मेरे सरकार की दुआ निगाह है, तो जिसकी ड्यूटी जितनी होगी वो उतनी बातें बाहर आएंगी। अब जुमले पे अगर तवज्जो रहे तो अकीदे की महराज मुझे तो हो गई है, आपकी अपनी मर्जी, मालिक है कौन है जैसे चाहे। सैयदा ने फरमाया जो ही मेरे बेटे हुसैन ने कहा ना इन्नी अशम्मु इम्दा के राएहतन तैयबा का अन्नहा राएहतु जद्दी रसूलिल्लाह, अब उससे पहले मौला हसन चादर में जा चुके हैं और मौला हुसैन कह रहे हैं मुझे नाना की खुशबू आ रही है। जवाब सैयदा सुनिएगा चादर में रसूलुल्लाह भी है मौला हसन भी है, लेकिन मौला हुसैन कह रहे हैं मुझे भी नाना की खुशबू आ रही है, तो सैयदा क्या जवाब दे रही है इन्ना जद्दा का व आखा का तहतल किसा, जी आपके नाना और आपके भाई दोनों चादर में हैं, सही कह रहे हुसैन खुशबू एक है। बड़ी तवज्जो थी, आका हुसैन ने चादर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अच्छा जब मौला हसन और आज की बस ये इसकी जुमले पर एक सजदा और बाकी फिर मौला करम फरमाए तो कल ये इनसे गुफ्तगू को हम शुरू कर लेंगे। मेरे सरकार अब सैयदा का लफ्ज है तो मुझे इतना रुक रुक के पढ़ना पड़ता है कि बस क्या बताऊं कि वो मैं किस तरह पढ़ूं। मौला हसन जब चले ना
तो सैयद ने फरमाया था फअकबल الحسن النهب القصا, मेरा बेटा हसन किसा की तरफ बढ़ा। और अभी आगे आप समाप्त फरमाएंगे, जब मौला अली आए और कहा मैं चादर की तरफ जाऊं, तो सैयदा ने फरमाया फअकबल अली जो नहबल किसा, मौला हसन और अमीर कायनात के लिए सैयदा ने कहा फअकबल, वो दोनों आगे बढ़े। लेकिन जो ही कहा ना हुसैन चादर की तरफ चला तो अकबला नहीं कहा, फदनल हुसैन नहवल के साथ। हुसैन ने चादर की तरफ बढ़ना शुरू किया। अब आप कह रहे हैं अकबला और दना में फर्क क्या है, तर्जुमा पेश करूंगा तो लुत्फ आएगा ना। अकबला कहते हैं आगे बढ़ने को, फदना भी कहते हैं आगे बढ़ने को। अकबला बस आगे बढ़ना, फदना किसी मकसद की तरफ बढ़कर उसे पा लेना। और अमीर हसन मौला के लिए कहा फाकबला, वो चले चले सैयदा की मर्जी, उनकी मंशा, बेटे भी उनके, लफ्ज भी उनके, हम सवाल करने वाले कौन होते हैं। लेकिन अब जब लफ्जों में दो जगह फर्क आया फाकबला और फदना, तो यहाँ कहा पहले तो सारी बातें एक थी, यहाँ अकबला और फदना क्या है, कब वो हमारा इजहार है, हम चाहे तो अकबला करें चाहे तो फदना करें। मुअज्जमा ये फदना क्या है, अब आ जाएगी, कुरान पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैन औ अदना, जब वो होगा वहां उफुके आला पर था सुम्मा दना, मोहम्मद आप उसके करीब आए। फतदल्ला उस होगा के आप और करीब आए। फकाना काबा कौसैन औ अदना, अच्छा ये 12 आयतें मुसलसल सूरह नजम की आयत नंबर 7 से लेके 18 तक, कल परसों किसी मजलिस में अगर आ गई बीच में तो मैं सारी पढ़ दूंगा, लेकिन लफ्ज़े तना पे गौर रहे। सैयदा ने फरमाया फदनल हुसैन नहवल किसा, मेरा लाल हुसैन मकसद के तहत किसा की तरफ बढ़ा। सैयदा ये तना क्या है, कसुम तना फतदल्ला, जो वो अल्लाह अली के लहजे में मेरे बाबा को कह रहा था करीबा, आप करीब आए, फतदल्ला और करीब आए, इतना करीब आ गए कि दो कमानों का फासला बाकी था या कमान के दोनों सिरों का, तो मेराज था मकसद मुस्तफा, तभी कुरान ने कहा तना फतदल्ला, पता नहीं मकसद हुसैन किसा की तरफ जाते हुए क्या है जो सैयदा कह रही है फदनल हुसैन। नहीं समझ आई, मैं फिर फिक्र पढ़ देता हूँ, वहां मेराज हुई क्यों, क्योंकि वहां मुहिब ने महबूब को बुलाया, मेराज हो रही थी तो करबला को मुअल्ला बनाने वाला हुसैन है जो कह रहा था आएगा जिंदाबाद जिंदाबाद, जो खुद से ही खुद को कह रहा था आएगा, वो कहते हुसैन ऐसे नहीं आऊंगा, अब आया हूं तो करबला में ही रहूंगा। तो शमशेर भाई क्यों कहा, बाकी सजीव फदन अल हुसैन नहबल के साथ, चूंकि मेराज के लिए आया था सुम्मा दना फतदल्ला, उन सजी मादमी कितनी दुआ कर देंगे मेरे लिए सुम्मा दना फतदल्ला। सैयदा ने कहा फदन अल हुसैन नहबल के साथ, चूंकि चादर में वो मेराज वाला मोहम्मद पहले ही है जिसका इस्तकबाल वहां अली ने किया था, सैयदा कह रही है आज चादर के अंदर अली बनकर मेरा बाबा हुसैन का इस्तकबाल। क्या
महराज को महराज बनाने वाले आ गए, शहादतों को महराज अता कर। कोई न हो सका 18,000 आलमीन में शहादत बना सिवाय हुसैन, इल्ला हुसैन, बिना इला इला हुसैन, हकीकत ला इला हुसैन, खैरत ला इला हुसैन, शहादत बना ने शहादत को बना दी और उस शहादत बना की शहादत की तमहीद बन गए अमीर मुस्लिम। मुहर्रम तब तक मुकम्मल ही नहीं होता जब तक उस लाहौर वाले बैतुल्लाह पर आंसुओं का सजदा ना हो जिसने यहां पर ही शाम की तजल्ली दिखी। ऐ हकीकत कुलना मोहम्मद मुअज्जमा, हमें मुआफ कर दीजिएगा बीबी, हम लाहौर में रहते हुए भी हर वक्त सजदा नहीं करते, हमें इदराक नहीं, लेकिन बीबी हमारे पास आंसू हैं, बीबी वो जितने हैं वो खालिस हैं तेरे बच्चों को रोने के लिए। असदरान इमाम मजलूम ये वो मुजमाएं खुतबा से जाकिरीन से आपने सुनाए, छह बेटे हुसैन मौला की मिशन विलायत पर कुर्बान की, दो मैदान करबला में अब्दुल्ला बिन मुस्लिम और मोहम्मद अकबर बिन मुस्लिम, फिर दो शामे गरीबा में पता नहीं खैबत कुबरा के मालिक कहां गए। अज़ादाने इमाम मज़मून इतना मक्तल में जरूर लिखा है, माँ ज़ाहिरन 7 साल की बतूल को साथ लेकर चली, नाम था सैयदाए आतिका या सैयदाए हमीदा बिन्त मुस्लिम। माँ ढूंढती हुई आई और आके मलिका शाम को कहती है बेटे तलाश करने गई थी लेकिन बेटी का भी पता कोई नहीं। बीबी आलिया एक जगह पर आई जहाँ मिसले मासूमा सरकार मुस्लिम की शहजादी आराम कर रही थी। मुझे नहीं पता साल मुसाइब क्या है, पता नहीं कैसे शहादत हुई उस बीबी की। उस मासूमा का लाशा देखकर गुंबद खजरा की तरफ रुख करके कहती है नाना मोहम्मद सिर्फ तेरे बेटे घोड़ों के नीचे खाना नहीं। गरीबा के अंधेरों में लाहौर वाली मलिका सुमो के नीचे आई हुई बेटी को ऊंची आवाज में नहीं रो सकी। बड़ा हुसैन पर खर्च किया इस बीबी ने। एक शहजादे की शहादत जो मैंने पिछले साल से शुरू की वो पाक नजफ मंजिल का हिस्सा है, मुझ हकीर की औकात ही नहीं अज़ादारी मजलूम में। वो कभी मिंबर से नहीं पढ़ी गई, मेरा दिल है जितने पढ़ने वाले सुनने वाले अगर सुन रहे हैं मेरा पैगाम जा रहा है मजलिस मुहर्रम की एक इस शहजादे से जरूर मंसूब किया करो। चूंकि इस शहजादे का नाम है अब्दुल्ला, बाबा का नाम है मुस्लिम, सिंध तारीख ने 20 साल लिखा है हुसैन ने लहू भरी दस्तार मुस्लिम मंजिल मुगीसा सर पे रख के कहा था आज के बाद मेरा मुस्लिम भी तू है। अज़ादाने इमाम मजनू लाहौर वाली मलिका आलिया के सबसे बड़े फर्जंद जो पिछले बरस नहीं था जनाब अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम इब्ने अकील इब्ने अबी तालिब इब्ने अब्दुल मुत्तलिब इब्ने हाशिम, किसी और खानदान का विलायत पर कुछ नहीं लगा। सरकार अब्दुल्ला बिन मुस्लिम को शहजादे जब मेरे सरकार अस्माउल हुस्ना इलाहिया की फहरिस्त बनवाई ना मेरे मौला हुसैन ने, तो मौला अब्बास से कहा अपने यादुल्लाही हाथों से सज्जाद और अकबर के दरमियान लिखो अब्दुल्ला बिन मुस्लिम का नाम। बड़ा प्यार था मौला हुसैन को अपने इस भांजे से
और जब सर पे दस्तारे यतीमी रख के कहा ना मेरे मुस्लिम आप है, तो कुछ दिन गुजरी थी मंजिले जुहसन सहराए शराफ जहां हुर का पानी खत्म हो गया था, उसी मकाम पर मेरे मौला हुसैन के खेमे में अपने बाबा मुस्लिम की दस्तार पहन के आए। तमाम हुसैन आप सिर्फ मेरे मामू नहीं, मेरे मालिक है, मेरे इमाम है, हमारी रजाएं आपकी रजा के ताबे हैं, आपने जो मुझे वारिस दस्तार बनाया है फिर भी आपकी इजाजत है तो आपके गमों में मैं अपनी बहनों का एक गम बयान कर सकता हूँ। मौला हुसैन ने फरमाया बिस्मिल्लाह मेरे लाल, तू मुझे ऐसे ही अजीज है जैसे मेरा मुस्लिम हो, बताना। का मामू हुसैन बहने पूछ रही है मोहम्मद और इब्राहिम क्या आएंगे, जिसकी हाय नहीं अभी तक निकल सके भाई, वो हुसैन का सिपाही है सरकार अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम। और पते ये सरदार तारीख शजात का वो जरी है जो बाजू बंद नहीं पहनता था तलवार से बचने के लिए, क्योंकि एक तो हाशमी है शजा है। रसगुल्ला जब मौला हुसैन ने कहा था मैदान में देखो मेरे साथ मुस्लिम का वो बेटा है जिसकी कलाइयां बिल्कुल मेरे नाना मोहम्मद जैसी है, इसके हाथ बिल्कुल मेरे नाना मोहम्मद जैसे हैं, इसीलिए इस सरदार के लड़ने का ढंग था वो आस्तीनों से कपड़ा उलट लेते थे। जब करबला करीब आ रही थी ना तो रेस पड़ते थे अपने मैदान में जाने से पहले, तैयारी के तमहीद दो फिक्र बड़ी तसली से सुन लेना। जनाब अब्दुल्ला ने मैदान करबला में कहा नहनु सादात बनी हाशिम अल-किराम, हम बनी हाशिम के बड़े करीम सैयद हैं, नेमी बनावती सैयद अल-हिमाम, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने ऐसे नहीं आया, मेरे लिए हुसैन की बेटियां दुआएं कर रही है, मेरे लिए वो दुआ कर रही है जिसकी दुआ ही तखलीक दुआ है। अज़ादारा ने इमाम मजलूम आ गए, आका हुसैन मुझे लड़ने की इजाजत है, कदमों पर सर रखा, का बेटे अभी नहीं, जो ही कहा ना अभी नहीं, बाहर खाजी के लहजे में रोते हुए लाहौर वाली मलका ने कहा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुम अर-रिज्सा अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। रोके कहती हाँ यही माँ उम्मुल बनीन की तरबियत है, बहन जल्दी से अंदर आ जा। रोते हुए मलका लाहौर फरमाती है कभी आप मेरे अब्दुल्ला को कहते हैं ये आपका मुस्लिम है, कभी आप मुझे कहते हैं अब्बास के जाने के बाद मेरा मुर्तजिस तैयार करके लाने वाली अब्बास भी तू है, तो मैं मशवरा नहीं दे सकती, मिन्नत करके कह रही हूँ इजाजत देना मेरा बेटा बनी हाशिम का पहला शहीद कहलाए, मेरा बेटा इन माओं में से सबसे पहले आप पर कुर्बान हो, ये हौसला है करबला की माओं का। अभी कुछ दिन पहले वाली की शहादत हुई, अभी सबसे बड़े बेटे को कह रही है जालियन वली अल्लाह पर विलायत के बदन को विलायत की रूह पर कुर्बान कर दे। आजादार और शहजादे को इजाजत मिली। मक्तल लिखता है ये बनी हाशिम का वो दलेर था कि एक एक को नहीं दो दो को नहीं गिरोहों को मारता था, और जंग का अंदाज इस शहजादे का ये था, कलाइयों से कपड़ा हटा हुआ था, बाबा का अमामा उतार कर अपने रहवार की कोच पर रख लिया। जब शबीहे जुलजना आए ना, जैसे कोच पर दस्तार बंदी होती है वैसे अमामा रखा। मक्तल कहते हैं इस शहजादे की वल्लैल जुल्फे शानों से नीचे तक थी, जब हमला करते थे ना तो जुल्फे बार बार चेहरे पे आती थी, ऐसा लग रहा था जैसे चौंदनी के चांद के आगे पर शम्स व सुहा खाते बादल छा जाते हैं। आजादारों एक जुमला सुनोगे, ये शहजादा इस ढंग से लड़ रहा था गिरोहों के गिरोह कत्ल होते थे, और शहजादा जुमला कहता था अली जाओमा उल्किया या अभी मुस्लिम, बाबा मुस्लिम का शाबाज होते अपने बेटे की पहली जंग देखते, पता नहीं कितनी याद आ रही थी बाबा की, बार बार कह रहा था मेरी जंग देखते
पीछे से आवाज आई या वलदी, मुड़ के देखा तो हुसैन खड़े थे, का समझ ले मुस्लिम आ गया है। मेरे लाल से लड़ अकबर और पास कहे सुभान अल्लाह। ऊंचा बहन करके बोलो, उसको फुर्सत देना है जो तुम्हारे सबसे ज्यादा करीब है। इस दफ्तर तौहीद की कसम लाहौर वाली मलिका के दफ्तर तौहीद के जो सजदा गुजार है, अगले जुमलों पे बड़ा रोग है। बनी हाशिम के तीन शहीद ऐसे हैं जिनको तीर मार के शहीद किया गया। चूंकि हाशमी तो तीर चलाते नहीं, वो बुजदिलों का हथियार है। जब ये शहजादा बढ़ कर हमले करता था ना, तो उमर साद ने कहा इकट्ठे हमला करो। तो आपने सुना है जिस शहीद पर इकट्ठे हमला हुआ उसकी शहादत हो गई। ये वो शहीद है जब मिल के हजारों ने हमला किया ना, इसने हजारों को भी एक दफा ऐसे भगाया जैसे हुसैन लश्कर को कूफा की दीवारों के साथ लगा आया था। उमर साद ने कहा फिर तीर कमान निकालो। तुम्हारा बारवा इमाम ज़ियारत नाहिया में कहता है अस्सलामु अलैका या कतील इब्ने कतील अब्दुल्ला इब्ने मुस्लिम बलानल्लाहु रामिया उमर बिन सैदावी। कहते हैं लानत है उस शहजादे के काबिल उमर सैदावी पर, उसने कमान में तीर जोड़ा। जब उसने तीर चलाया ना तो शहजादा हाथ से जुल्फे हटा रहा था, तीर यहां लगा माथे में प्रवस्त हो गया। शहजादे का हाथ जब तक शहादत नहीं हुई माथे के साथ। मशकीजा नहीं छेदा, गाजी का सीना जख्मी किया। दूसरा तीर मेरे शहजादा अली असगर के गले में लगा, उसने मुकम्मल नहर किया। ये तीर था जिसने शहजादे की मोहम्मद वाली कलाई पेशानी में पैवस्त कर दी। दूसरा तीर इस कलाई पर लगा, हाथ से तलवार छूट गई। पता है ये रिवायत किसने बयान की है? मुख्तार के दरबार में सैद बिन रक्काद नामी मलून को बुलाया गया। कहा बता बेगैरत तूने किसको मारा है? कहता है मैंने किसी पर तलवार नहीं चलाई, मैंने किसी को नेजा नहीं मारा, मैंने किसी को तीर नहीं मारा। तो कहा तुझे पकड़ के क्यों लाए हैं? कहा मैंने देखा मुस्लिम के बड़े बेटे अब्दुल्ला को 5 तीर लगे थे, एक ने हाथ पेशानी पे तरस्त किया, दूसरा इस कलाई पर था, तीसरा शहजादे के हलक में था, चौथा शहजादे के दिल पे था, पांचवा शहजादे के शिकम पे था। मेरा दिल चाहा मैं हुसैन को तड़पाऊं, मैं वहां गया जहां अभी ये मुस्लिम का बेटा अब्दुल्ला था, अभी सांसें बाकी थी। मैंने शिकम वाले तीर में हाथ डाल के हिलाया, शहजादा तड़प के कहता है बाबा मुस्लिम। Thank you.